प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ को चलते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बॉल है जिसको जेंटली ड्रॉप किया गया। जेंटली ड्रॉप का मतलब यह है कि इस तरह से छोड़ा गया। जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब 20 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया। आगे बोल रहा है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको और आपको हाइट दे रखी है। ध्यान देना, आपको हाइट दे रखी है और एक्सेलरेशन। कॉम्पिटिशन में कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ। आपसे कह रहा है विद वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर किस वेलोसिटी से टकराएगी। आपको बता, फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है तो आपके पास एक फॉर्मूला था, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन आपके पास इसमें टाइम नहीं है। जब नहीं है टाइम आपके पास, तो आप एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। क्या होता है वो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2gh। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये आपको बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि आपने इसको जेंटली ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो रह जाएगा। 2g की वैल्यू 10 है और हाइट कितनी दे रखी है आपको, 20। तो 20 का डबल करोगे हो जाएगा 400, तो ये वैल्यू आ जाएगी 400। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400। वी आपको निकालना है तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी से बताएंगे आप, स्क्वायर रूट 400। तो यहाँ से वी इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी आपके पास आ चुका है 20 मीटर पर सेकेंड। होप सो ये क्लियर होगा। आपसे आगे बोल रहा है कि आपको टाइम बताना है। पहली बात देखो, 20 मीटर पर सेकेंड कहाँ स्टार्ट है। देखो इसमें 20 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट है, इसमें भी स्टार्ट है, ये नहीं होगा फिर इसका मतलब, ये गलत है ऑप्शन दोनों। तो 50% चांस हो गए आपके आंसर सही आने के, ठीक है। अब आगे कह रखा कि कितने टाइम बाद ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है। जब ये स्ट्राइक करेगी, यहाँ से आ रही है स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइकिंग की वेलोसिटी आपको दे रही है। चलो मान लेते हैं कि आपको टी टाइम बाद ये स्ट्राइक करेगी, तो ये टाइम बताना। तो टाइम के लिए आप कौन सा इक्वेशन लगा दोगे, आप ये वाला इक्वेशन लगा दो, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एच कितने दे रखा आपको, 20। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो ये यू टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये हाफ ऐसे ही रहेगा, जी की वैल्यू दे रखी है 10 और टी स्क्वायर ये ऐसे ही, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर, मतलब टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। तो टी की वैल्यू आ चुकी है 2 सेकेंड। तो देख लो वी 20 और टी 22 कहाँ दे रखा, पहले वाले ऑप्शन में, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।